माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ स्पेशल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एज इन आप देखते ही होंगे कि मैं एवरी डे अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ और वो ओपिनियन इज समथिंग इज रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंसेस माय लाइफ। सो दिस इज समथिंग ट्रू, ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ के मैंने डाल दिया। सो दिस इज माय रियल ओपिनियन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। तो आज मैं थ्री और फोर पॉइंट्स पे इस तरह से बात करूंगी जो कि जो मैंने ओपिनियंस ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, कुछ आप उससे रिलेट कर पाओगे और जो मेरे कुछ ओपिनियंस आने वाले। लेकिन मैं एक ये फुल वीडियो बनाना चाहती थी। सम ऑफ पीपल हैव मैसेज्ड मी अ सिमिलर क्वेश्चन। सम पीपल हैज आस्क्ड मी हाउ यू स्टे हैप्पी, हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन फ्यूचर मैं ट्राई करूंगी कि मैं और पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ, अपने पॉइंट शेयर कर पाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ एज मच आई कैन। सो जो आपको हेल्प करे मोटिवेट होने में या खुश रहने में जो भी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट वी ऑल आर ह्यूमंस। सो वी ऑल आर ह्यूमंस दैट व्हाट आई वांट टू से, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब मैं छोटी थी कहीं पे भी फॉरनर्स को देखती थी या फॉरनर टूरिस्ट को देखती थी तो मैं सोचती थी यार ये क्या कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी है। उनसे बात करने में डरती थी, झिझकती थी, ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं और कौन लोग हैं, हम तो कुछ है ही नहीं इनके आगे। तो जब तक हम उन लोगों को मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तब तक हमें रियलाइज नहीं होता है कि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, कोई नई दुनिया से नहीं आया या कोई बड़े लोग नहीं है। उसी तरह अब मैं जैसे बाहर आई हूँ मुंबई में, जब मैंने एमएनसी कंपनीज में काम किया, उनसे बात किया, देन आई रियलाइज कि दे आर ऑल आर सिंपल ह्यूमंस। उनकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो भी उसी तरह खाते पीते हैं, रहते हैं जैसे हम रहते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। द डिफरेंस इज द कल्चर and the country. So they are from another country, we are from India, and they have a different culture and we have a different culture. So that is only the difference. But agar dekhe, as a human hamari tarah hi sote hain, khate hain, peete hain, chalte hain, shopping karte hain, एवरीथिंग द लाइफ स्टाइल दैट वी डू सो कभी भी दूसरों को देख के डीमोटिवेट मत करो कि वो कितने काबिल हैं या वो कहाँ से आए हैं। किसी को इस तरह से जज मत करो, खुद को डीमोटिवेट मत करो। हमेशा ये समझो कि हम सब ह्यूमन्स हैं, वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड वी ऑल हैव अ माइंड। हम उसी तरह सोचते हैं, वो भी उसी तरह ही सोचते हैं। थोड़ा तुम डीपली सोचोगे तो तुम भी अच्छे से सोच पाओगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऑलवेज थिंक वी ऑल आर ह्यूमन्स। हर इंसान काबिल है, हर इंसान अच्छा है, खुद को संवारो बट किसी से कंपेयर मत करो। कमियां मत ढूंढो, खुश रहो, जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसको अच्छे से यूज़ करो। अपने आप को, अपने दिमाग को अच्छे से यूज़ करो, अपनी थिंकिंग को अच्छे से यूज़ करो, अच्छे काम करो, बट कभी किसी के साथ कंपेयर करके डीमोटिवेट मत हो। एंड सेकेंड वी विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। अब दूसरी हम ये बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। आप सोचते हो कि हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं ही क्यों, मेरी ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स नहीं है, दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो इस दुनिया में। बिकॉज जिंदगी के दो पन्ने हैं, द वन इज सोरो, द वन इज हैप्पीनेस, और दोनों एक दूसरे के साथ ही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी की लाइफ में पूरी हैप्पीनेस होगी और सोरो होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, और कभी ऐसा नहीं होगा कि सबकी लाइफ में दुख है और खुशियां होंगी ही नहीं। तो दोनों चीजें होती है, बस डिफरेंस अ लिटिल बिट होता है, किसी के लिए कम होती है, ज्यादा होती है, इतना डिफरेंस होता है। और किसी की लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस होती है, तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली होती है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, किस तरह से प्रॉब्लम्स को डील करते हो और आगे बढ़ जाते हो। उनकी लाइफ बैलेंसिंग होती है, दुख आता है लेकिन वो फटक से खुशियां भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है किस तरह से बैलेंस करना है। इसलिए हमेशा सीखो कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करना चाहिए, फेस करना चाहिए। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि हर प्रॉब्लम को फेस करो, उसका गिव अप मत करो, उसको सोच के बैठ के एक महीना 10 दिन आप सोचते ही रहो और डिप्रेशन में चले जाओ, अपनी मेंटली हेल्थ खराब कर लो, अनहेल्दी हो जाओ, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आई, सोल्यूशन सोचो, उसको फेस करो
और उसको सॉर्ट आउट करके मूव ऑन कर जाओ, दैट्स ऑल. सो दिस इज लाइफ, लाइक तभी आप खुश रह पाओगे, उसको लेके बेटर होगे तो जिंदगी भर खुद परेशान होगे. सो ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल. और आप ही ये सब कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा. इसलिए या तो जो चीज़ें नहीं हो पा रही जस्ट इग्नोर करो एंड मूव ऑन कर जाओ और उस ऊपर वाले पे छोड़ दो. अगर उसमें फेस वो चीज़ आप कर सकते हो तो फेस करके उसको सॉल्व कर दो और आगे बढ़ो. ओके, तो यस, ऑलवेज स्टे हैप्पी. सो थर्ड पॉइंट बात करते हैं हाउ यू कैन स्टे मोटिवेटिंग एंड हाउ यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन एंड व्हेन नोबडी इज अराउंड यू. तो मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेती हूँ. तो इसके लिए दो चीज़ें याद रखना, फर्स्ट लव यूर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज यूर सेल्फ एंड सेकेंड इज कीप यूर सेल्फ बिजी. तो जब आप खुद को प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी. खुद को बिजी रखोगे तो आपको कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आप कभी सैड ही नहीं होगे बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होगा. और ऑलवेज ट्राई कि आप ऐसा कुछ करो जो आपका मन करे, हमेशा वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको इंटरनली खुशी दे. बाहर की खुशी कुछ मैटर नहीं करती, दिस इज लाइक फेक. तो डू द थिंग दैट मेक यू हैप्पी. हम छोटे होते थे तो हमको लगता था कि टाइम ही टाइम है, लेकिन जब आप बड़े होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि टाइम ऐसे निकल रहा है कि पता ही नहीं चलता. तो इसलिए मतलब आप इतना बिजी रखोगे, अच्छी चीज़ें करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया, और आप हमेशा खुश रहोगे. और मैं तो ये बोलती हूँ कि दुनिया की परवाह मत करो, वो क्या बोलती है क्या सोचती है, आप वो करो जो आपको खुश रखे बिकॉज इट इज़ योर लाइफ. सो ऑलवेज स्टे हैप्पी. एंड द फोर्थ पॉइंट इज आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टे पॉजिटिव. So, like, positive is like all about you think, you write, you see, and you stay in that environment. It is all about the positivity. तो हमेशा positive सोचो, negative तो सोचना ही नहीं है, मतलब उसको तो जिंदगी से निकाल ही दो, फेंक ही दो. Just dump this into the garbage. Sometimes हमें सुनने में अच्छा लगता है कि positive सोचो, but negative को सोचो ही मत, ठीक है? I always stay away from the negative. येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको करना. लाइक एज इन मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, बट जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मैंने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे हैं. तो हमेशा आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग से लेकर रात तक जब आप सोते नहीं हो आप पॉजिटिव ही सोचोगे, आपको नेगेटिव सोचने नहीं. अगर नेगेटिव कुछ भी आपके माइंड में आए तो उसी टाइम आपको वो नेगेटिव जो आपका थॉट जो कुछ भी आया नेगेटिव उसको डाइवर्ट करना है. और ये चीज़ सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और आके आपका वो नेगेटिव थॉट डाइवर्ट नहीं करेगा. आपको फटक से उसको फ्लिप करके पॉजिटिव सोचना है. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जब आप घर से सुबह सुबह निकलते हो कभी कभी आप सोचते हो कि यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा या व्हाटएवर, ठीक है? तो आपके माइंड में ये होता है कि रास्ते में ट्रैफिक होगा, मैं लेट हो जाऊंगा, और आपको वो ट्रैफिक मिलता है क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा और नेगेटिव हुआ आपके साथ हुआ. ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी, जो भी आप सोचते थे वो ही फटक से होता था. इसलिए कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है, या तो सोचो ही मत या फिर पॉजिटिव सोचो. नेगेटिव सोचोगे ना तो आपके साथ वही होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. नहीं, आपने सोचा इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, इसलिए सोचने ही क्यों है. सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव लाइक दिस. तो ये फोर पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करना चाहती थी आपके साथ. होप यू लाइक दिस ब्लॉग, और आपको जो मुझसे आंसर चाहिए थे वो मिल चुके होंगे. एंड दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली आई एक्सपीरियंस एंड इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ, दैट्स वाई इट मेक्स मी मोटिवेटेड ऑलवेज, कॉन्फिडेंट ऑलवेज, हैप्पी ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज लव माई सेल्फ. ऐसा नहीं है कि दूसरों को प्यार मत करो, सबको प्यार करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो. खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को कभी खुश नहीं रख पाओगे. इसलिए आपकी स्माइल दूसरों के लिए बहुत मैटर करती है. खुद पॉजिटिव रहोगे तो सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. तो नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद मोर पॉइंट्स विद माय एक्सपीरियंसेस दैट कैन मेक यू मोर मोटिवेटेड एंड हैप्पी. और जिन्होंने ये स्पेशली उनके लिए वीडियो थी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, और जिन्होंने ये क्वेश्चंस नहीं भी पूछे और वो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको थोड़े से भी मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बातें बताई हैं इससे थोड़े सा भी पॉजिटिव फील हुआ हो और कुछ हेल्प करे आपको, तो इट विल बी वेरी ग्लैड फॉर मी कि मेरे एक्सपीरियंसेस और मैं किसी को मोटिवेट कर पाई. तो बस इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे, हर कोई लिमिट में मत रहे, अपनी लाइफ पूरी इंजॉय करे.
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एट होम. और सबको प्यार करते रहो, खुशियां बांटते रहो और इस लाइफ को मजे से जियो. छोटी सी है, इसको गवाओ मत. बाय बाय, आई लव यू.